नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क एंटरटेनमेंट में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। फिल्मी दुनिया में एक्टर और एक्ट्रेस का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन ऐसे बहुत कम सितारे हुए जो हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया पर ही नहीं अपना नाम आसमान की बुलंदियों पर भी लिख गए। इन्हीं में से एक है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, एक ऐसा अभिनेता जिसको फिल्मों में साइन करने के लिए उनके घरों के बाहर फिल्म निर्देशकों की लंबी लंबी लाइनें लगा करती थीं। लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए पूरे पूरे दिन उनका इंतजार करती थीं और राजेश खन्ना का नाम अपने हाथों में लिखवाती थीं, यहां तक कि उनको अपने खून से प्रेम पत्र तक भेजा करती थीं। ये सुनने में तो थोड़ा सा फिल्मी लगता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। आज हम आपको काका से जुड़े 10 ऐसे ही अनछुए पहलुओं को बताएंगे जिससे आप आज तक अनजान ही होंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से राजेश खन्ना कभी अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ नहीं रहे। उन्हें चुन्नी लाल खन्ना ने गोद लिया था। इतना ही नहीं, फिल्मों में आने से पहले उनका नाम जतिन खन्ना था, लेकिन साल 1965 में एक टैलेंट हंट के जरिए चुने जाने पर उन्होंने अपना नाम राजेश कर लिया था। राजेश खन्ना अपने स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के जंपिंग जैक के नाम से मशहूर जितेंद्र को पहली बार कैमरे के सामने लाने का श्रेय राजेश खन्ना को ही जाता है। जितेंद्र राजेश खन्ना के बचपन के दोस्त भी थे। दोनों एक साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। आपने अक्सर कलाकारों के स्ट्रगल के दिनों को सुना ही होगा। ज्यादातर लोगों की कहानी आपको एक जैसी ही लगती होगी, लेकिन राजेश खन्ना इकलौते ऐसे स्टार थे जो अपनी स्पोर्ट कार में फिल्म मांगने के लिए निर्देशकों के ऑफिस जाया करते थे। राजेश 70 के दशक में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले हीरोज में से एक थे। एक बार तो राजेश खन्ना हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें अपने फिल्मों में लेने के लिए कई फिल्म निर्देशकों ने उनके कमरे के बगल वाले कमरों को बुक करा लिया था। कुछ ऐसा ही क्रेज था राजेश खन्ना का। आपको अनिल कपूर और श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया तो याद ही होगी, जिसने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। इस फिल्म से अनिल कपूर रातों रात सुपरहिट स्टार की लिस्ट में शामिल हो गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की पहली पसंद राजेश खन्ना थे। लेकिन राजेश खन्ना ने ये कहते हुए फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था कि वो किसी अदृश्य हीरो का रोल नहीं करेंगे। राजेश खन्ना के पलक झपकाने और सर झुकाने की अदा फिल्म इंडस्ट्री में लैंडमार्क बन गई थी। साल 1969 में शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना के आने के बाद राजेश खन्ना पर सुपरस्टार होने का टैग लग गया। साथ ही फिल्म अभिनेत्री मुमताज के साथ राजेश खन्ना ने 8 फिल्में की, लेकिन 8 की 8 फिल्में काफी बड़ी हिट साबित हुई। इसके अलावा हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को भी राजेश खन्ना के साथ काफी पसंद किया जाता था। अपने 40 साल के लंबे करियर में राजेश खन्ना ने करीब 160 फिल्में की, जिसमें 106 में वो सोलो हीरो के रोल में थे और 22 में मल्टी स्टारर थे। लेकिन अपने जमाने की सबसे हॉट एक्ट्रेस में शुमार और उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना ने कोई फिल्म नहीं की। राजेश खन्ना काफी शर्मीले किस्म के इंसान थे। सलमान खान के पिता सलीम खान राजेश खन्ना के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना अपनी बात को, अपने जज्बातों को सही तरीके से कहने में काफी कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसके साथ ही वो काफी उदार थे। वो अपने नौकरों को घर, महंगे उपहार और गाड़ियां तक गिफ्ट कर दिया करते थे। राजेश खन्ना खुद में वन मैन इंडस्ट्री थे। वो फिल्मों के नाम से नहीं, फिल्में उनके नाम से चला करती थीं। राजेश खन्ना ने डिंपल को गिफ्ट करने के लिए जुबली कुमार से फेमस हीरो राजेंद्र कुमार से डिंपल नाम का बंगला खरीदा था। कहा जाता है कि वो बंगला राजेंद्र कुमार के लिए काफी अनलकी था, लेकिन राजेश खन्ना ने उस बंगले में आने के बाद 15 सुपरहिट फिल्में दी। राजेश खन्ना ने 1973 में बॉबी गर्ल डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। जिस वक्त दोनों की शादी हुई थी, डिंपल केवल 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 साल के थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिंपल की पहली फिल्म बॉबी भी उनकी शादी के 8 महीने बाद रिलीज हुई थी। हालांकि डिंपल की शादी के बाद भी फिल्म में काम करने के फैसले को लेकर राजेश खन्ना खुश नहीं थे, जिसके बाद दोनों अलग भी हो गए। लेकिन अपने बच्चों के खातिर दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। इनकी दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है।
फिल्मी जगत के खिलाड़ी अक्षय कुमार इसके दामाद हैं। राजेश खन्ना की हिट फिल्म आनंद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना हमेशा सेट पर लेट पहुंचते थे, लेकिन फिल्म के दूसरे हीरो अमिताभ हमेशा टाइम के पक्के थे। इस बात के लिए राजेश खन्ना ने अमिताभ का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि टाइम के पाबंद केवल क्लर्क हुआ करते हैं, कलाकार नहीं। हालांकि लेट आने की आदत की वजह से खुद राजेश खन्ना को निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी से माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि अमिताभ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म आनंद की सफलता के बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी भगवान के बगल में बैठे हैं। बंगलुरु में आनंद के प्रीमियर के लिए जाते समय राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग को देखा, 10 मील तक केवल लोग ही लोग नजर आ रहे थे। राजेश खन्ना केवल फिल्मों में ही रोमांटिक हीरो नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी वो काफी रोमांटिक थे। उनके कई महिलाओं से अफेयर के चर्चे रहे थे, लेकिन डिंपल कपाड़िया से शादी करने से पहले राजेश खन्ना का दिल अंजू महिंद्रू पर आ गया था। दोनों करीब 7 सालों तक रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन उसके बाद राजेश खन्ना ने अपनी राहें अंजू से अलग कर ली। कहा जाता है कि राजेश खन्ना शादी करके सेटल होना चाहते थे, लेकिन अंजू शादी करने के विचार में नहीं थी, जिसके करीब 3 साल के बाद राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हो गया था। उनके चले जाने से भले ही राजेश खन्ना की कमी पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन उनकी फिल्में हमें सदैव उनके होने का एहसास कराती रहती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।